हेलो गाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियोस कितना देखा, लाइक किया, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अभी दो कंटेंट डालता हूँ, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। वो एक जो उसका यूट्यूब थंबनेल है उसके ऊपर लिखा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने योर यूनिवर्सिटी का एनालिसिस दिया था, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी, उर्दू लैंग्वेज में थी। इसी तरह इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में कंटेंट आया करेगा। इंग्लिश को मेरी इतनी अच्छी कोई नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। अच्छा, आज का यह टॉपिक है, टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम लोगों के पास शॉर्ट होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताऊं। अच्छा जी, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो बेस्ट इंडिकेटर है, इसकी दो फायदे हैं। एक, सपोर्ट एंड असिस्टेंट लेवल्स को ये ऑटो ड्रॉ करता है। अच्छा, दूसरा लोगों के जहन में होता है, देखिए जी, अगर सपोर्ट है तो ये किस तरह पता चलेगा जी ये स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ से कितने परसेंट चांस है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये इंडिकेटर दो काम करता है, एक सपोर्ट एंड असिस्टेंस लेवल्स को भी आपको दिखाएगा, और दूसरे नंबर पे आपको दिखाएगा कि किस एरिया में स्ट्रांग बायर आ चुके हैं, कौन सी सपोर्ट लेवल कौन सा ऐसा है जहाँ की ऊपर आप बेस्ट एंट्री आप बाय की कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा एरिया असिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आप बेस्ट एंट्री फाइंड करके सेलिंग की कर सकते हैं, जो आपकी 80 to 90% चांस है कि मार्केट आपके फेवर में जाए। देखें, लॉस तो होता है, लॉस इज पार्ट ऑफ फॉरेक्स। 100% कोई भी इसके अंदर आपका जो है ना, वो कोई भी नहीं कह सकता कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, ट्रेड करते हैं, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो आप प्रॉफिट इसमें कमाते हैं। बड़ा इजी है, कोई इतनी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि जो सिंपली आप ट्रेडिंग को रखें। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें जी, ये H4 का जो चार्ट मैंने खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर है। अच्छा, आप मुझे बताएं जी, ये देखें, ये मीडियम सेलर्स यहाँ पे उसने कहा हुआ है, यहाँ पे वीक बायर है, यानी कि मार्केट जिगजैग कर रही है, यहाँ पे भी बाइंग बनती है। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि नहीं यार, मैं रिस्क मीडियम रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा, अच्छा यहाँ पे आप बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे टीपी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा कहता है नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि मेरी 80 to 90% जो ट्रेड है ना, एग्जैक्ट एक्यूरेट लगे, तो यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग एरिया है, स्ट्रांग सिस्टम एरिया है, आप यहाँ पे बाय लगाए, वेट करें या तलाश करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी देखेंगे किसी ना किसी पेयर में अभी आया होगा, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, स्ट्रांग सेलर एरिया था, ठीक है, तो आपने देखा मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आप दोबारा बाय लगा सकते हैं, ये स्ट्रांग बाइंग एरिया है, यहाँ से नहीं, ये वीक बाइंग एरिया है यहाँ से, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, ये असल सपोर्ट ये है जो स्ट्रांग सपोर्ट है। अच्छा, आगे आ जाएं जी, कोई मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी होगा इसमें जो है सिग्नल को अच्छा सा आता है, तो ये देखें आप, पिछली हिस्ट्री भी देखेंगे ना, मीडियम बायर और स्ट्रांग बायर से मार्केट ऊपर गई है, स्ट्रांग सेलर से मार्केट नीचे आ रही है, तो बड़ी एक जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अच्छा, आगे आ जाए जनाब, इसमें आ जाए, ये क्या कह रहे हैं, मीडियम सेलर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। मीडियम सेलर्स में ये है कि जरा जो ट्रेड है आपकी 70 to 80% श्योर होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स में जो है वो 80 to 90%, और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर में समझ लें 95%। ये देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर्स में भी इसमें आया होगा, कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर से मुराद है क्या, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ यार, मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए, आप कुछ सीखें ना, कि टाइम जाया करें, सीख के ट्रेड करें, ठीक है। लोगों के सिग्नल भी फॉलो करते हैं, मेरे से भी आप जो है वो, मेरा भी एक ग्रुप है, अगर आप उसमें भी ज्वाइन, मैं भी सिग्नल देता हूँ, लेकिन असल मजा तभी आता है ना जब बंदा खुद अपने हाथ से करे, खुद सीखे, खुद सीख के करे, ठीक है ना, तो उसका मजा ही और है ना, तो मेरा ये मकसद होता है कि यार आप उसमें सीखें, ठीक है ना। अब ये देखें, वेरी स्ट्रांग सेलर ये एरिया क्यों है, मैं अब इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों था भजन, ये बड़ी स्ट्रांग रेसिस्टेंट थी। ये देखें, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे नीचे आई, और ये मीडियम बाइंग एरिया, ये वीक बाइंग एरिया, और ये असल पॉइंट है, ये यहाँ पे आपकी जब मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे आती है ना, तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर बाय लगा सकते हैं, क्योंकि ये हैवी सपोर्ट है। 19 अगस्त को मार्केट इधर आई थी, अभी 17 सितंबर हो गया है, एक महीने बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा टच करेगी, तो आपको वो फाइंड करना है, वो आपको एरिया फाइंड करना है जहाँ पे आप प्रॉपर एंट्री लगा के आप ट्रेड करें, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या कहता है जनाब, इसमें सिग्नल मुझे नहीं नजर आ रहा, इसमें इसमें भी इसमें, हाँ ये देखिए, यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, आप यहाँ पे भी, यहाँ पे तो नहीं, आप इस लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसने ऑलरेडी बता दिया आपको कि यार यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड ऑटोमेटिकली ये प्राइस सेक्शन को भी जो है ना वो कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे मैं अगर आपको ये लेन बना के दिखाऊँ, ये लो जनाब, ठीक है, समझ आ गई वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों यहाँ पे आ रहा है, समझ आ गई होगी आपको आई होप, ठीक है। यूरो कैंडियन में आ जाए, मीडियम बायर यहाँ पे बाय आप कर सकते हैं,
सपोर्ट एंड सिस्टम लेवल भी आपको ऑटो ड्रॉ करके ये सिस्टम देगा, ठीक है। ये क्या है जनाब, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये देखिए हमारे मार्केट नीचे आई है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप टीपी लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट। अच्छा ये क्या कहता है जनाब, मीडियम बाय, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग सेल, ये देखें यहाँ पे सेलिंग थी, ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग थी, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना इसमें ये आपको करके देगा। वीक सेलर्स है, लेकिन यहाँ पे आप उसको जो है ना वो यहाँ से सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि मीडियम, कम से कम मीडियम उसमें सेलर्स का जोन हो, मीडियम बायर्स हो या स्ट्रॉन्ग, अगर आप उसमें चाहते हैं ना कि यार 80-90% मेरी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में जाए। ये देखें मीडियम बायर्स का था, मार्केट ऊपर गई है, देख रहे हैं इस स्ट्रेटजी, इस सिस्टम का कमाल। तो हर वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग बाय, मार्केट इधर से कन्फर्म ऊपर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। नोट कर लें आप टाइम भी, 1.8814 चल रहा है ना, तो 95% चांस है मार्केट यहाँ पे जाएगी। यहाँ यहाँ पे आप टीपी लगाएं, यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रेड करने आ जाते हैं पैसे ज़ाया करते हैं, ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना तो टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना, ठीक है। तो बड़ा इजी है ट्रेड, बहुत इजी है, अगर आप उसको करेंगे ना, सीख के करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसको करने में ना, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, ये देखें जनाब, ये स्ट्रेटजी गोल्ड की है, ये देखें आप इसमें देख रहे होंगे गोल्ड स्ट्रेटजी। गोल्ड की मैं पूरी रेंज को, मैंने जो 1 साल की रेंज को लिया और उसको ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड तो अभी चल भी रही है, लॉस में भी चल रही है, लेकिन जो है क्योंकि सीखने की अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है, कोशिश होती है कि यार जितना भी कोई दूसरा हमसे सीख ले चीज़ें जो हैं वो उनको बताई जा सके। ये आप देख रहे होंगे जनाब, ये देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे ये फॉरेक्स था, H1 में, इसमें H1 H4 दोनों में आप कर सकते हैं। अच्छा इसको आप बाइनरी में भी यूज़ करते हैं, अगर कुछ कुछ लोग बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाइनरी फॉरेक्स के लिए भी ये आप बेस्ट है, मतलब कि आप इसमें M5 में आए, यहाँ पे इसमें आप जना वेरी स्ट्रॉन्ग को सेल लगाएं, 10 मिनट की एक्सपायरी लगा दें, 90% श्योर है मार्केट जो है ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी, बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाइंग में आ रहे हैं, यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बाय को ढूंढें, वहाँ पे आप पुट कर दें, यहाँ पे आप कॉल कर दें। बाइनरी के लिए भी बेस्ट इंडिकेटर है, फॉरेक्स के लिए भी बेस्ट इंडिकेटर है। अच्छा मार्केट में बेशुमार इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मकसद भाईजन ये है कि चीज़ ये है कि यार आप उसको यूटिलाइज किस तरह करते हैं। गाड़ी होती है ना, गाड़ी अगर आपको चलानी नहीं ना आती तो आप ठोकते हैं, इसी तरह इंडिकेटर है ना, आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लें किसी से, उससे सीखें कि इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है। जब आप इस्तेमाल सीख जाएंगे ना तो थकड़ इंडिकेटर भी होगा, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल जानते होंगे, और अगर आप इस्तेमाल नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा इंडिकेटर भी होगा ना, आपको पता नहीं होगा इसको यूटिलाइज करना, तो आप लॉस लेंगे। इस वजह से इसको सीखें, मैं इन फ्यूचर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के मैं अरेंज करूँ एक बैच का, उसमें मैं ट्रेनिंग दूँ लोगों को, ठीक है ना, ताकि वो भी सीख के ट्रेड करें, फॉरेक्स को सीख के करें, ठीक है। बाकी इसमें बाबा ए फॉरेक्स कोई भी नहीं है, ठीक है ना, बड़े लोग आपको मिलेंगे, जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इसमें जनाबे वाला आपको श्योर कोई भी नहीं होता मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन प्रडिक्शन, आपकी स्टडी, आपका फंडामेंटल एनालिसिस, आपका टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब आप ट्रेड करते हैं तो 90%+ श्योर होता है कि ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी, ठीक है। तो वो जो एनालिसिस होता है प्रॉपर, वही सीखना है हमने, वही चीज़ें हमने सीखनी है कि यार अच्छा ये क्या है, क्या इजी वे के साथ हम इस फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिवरेज को भी, के लिवरेज का आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका अकाउंट पहले $100 है और आप ट्रेड्स भरी डाल रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, प्रॉपर इसकी स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी इसके हवाले से। आप मेरे से रब्ता करें व्हाट्सएप पे अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स मेरे पास फ्री भी हैं, कुछ इंडिकेटर्स पेड हैं, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि अगर किसी बंदे को ज़रूरत है, ठीक है ना, तो मैं उसको इंडिकेटर जितना भी अगर वो पेड भी है तो उसमें भी मैक्सिमम मैं उसको डिस्काउंट करके दूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगेन रिक्वेस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर बेस्ट वीडियोज। गुड बाय।